A very warm welcome to you all in my YouTube channel, Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. Class 10th में जो हम लोग लास्ट का लेसन पढ़ रहे थे वो चैप्टर फर्स्ट था, दैट वॉज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. और लास्ट की क्लास में वो चैप्टर एंड अप हो गया था. आज से हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा जो टॉपिक है वो है लेंसेस. तो लेंसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे, पर इसको पढ़ने से पहले आई वांट टू रिमाइंड यू ऑल कि जिन भी बच्चों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर्स नहीं लिए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले चैप्टर फर्स्ट के सारे लेक्चर्स स्टडी करें, उसके बाद लेंसेस स्टडी करें. क्योंकि अगर आप उन चैप्टर्स को, चैप्टर फर्स्ट जो है उसको आपने बहुत क्लियरली और अच्छे से स्टडी कर रखा है, तो ये चैप्टर 50% आपके लिए वैसे ही क्लियर हो जाएगा. पर अगर आपने वो लेसन अच्छे से स्टडी नहीं किया है तो इसको समझने में आपको थोड़ी डिफिकल्टीज होगी. जिन बच्चों का चैप्टर फर्स्ट पूरी अच्छी तरीके से क्लियर है, उनके लिए 50% लेंसेस आपका पूरी तरीके से क्लियर है. आपको उसमें 50% थोड़ी सी जो एडिशनल चीजें हैं उनके बारे में ही खाली लर्न करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का नया लेसन, दैट इज लेंसेस. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें एक ओवरव्यू ले लेना चाहिए कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें स्टडी करनी है, क्या क्या चीजें कंसिडर्ड करनी है. तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो स्टडी करेंगे लेंसेस के बारे में जानेंगे, कितने टाइप्स के लेंसेस होते हैं और उनके नेचर के बारे में जानेंगे, कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो लेंसेस से रिलेटेड है. जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड होते हैं, उसी तरीके से लेंसेज में भी होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे. हमने मिरर में भी पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन को बनाने के लिए कौन कौन से लॉज इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरीके से हम लॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेंसेज भी स्टडी करेंगे. इसके बाद जैसे हमने मिरर में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन स्टडी किया था, वैसे ही हम इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस भी स्टडी करेंगे. मिरर में भी हमने साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी किया था, वैसे ही साइन कन्वेंशन हम लेंसेज में भी स्टडी करेंगे. रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर द लेंसेज, हम लोगों ने मिरर में जो ये रिलेशन पढ़ा था उसमें हमने इसका डेरिवेशन किया था, क्योंकि उसका डेरिवेशन पूछा जाता है, वो हमारे सिलेबस में है. पर रिलेशन जो हमारा लेंसेज का यू वी एफ का है, इसमें आपका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपका फॉर्मूला कोर्स में है, जिससे रिलेटेड आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि हमने मिरर में पढ़े थे वैसे ही न्यूमेरिकल्स इसके फॉर्मूले के बेस पे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं. तो इसका खाली रिलेशन हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे. और हमने मिरर में भी लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा था और लेंसेज में भी हम लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो हमने मिरर में पढ़ रखा है, उन्हीं से रिलेटेड अब हम लेंसेस के बारे में इसमें स्टडी करेंगे. तो जैसा कि हमने मिरर में पढ़ा था, हमारे दो मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. उसी तरीके से हमारे दो लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज एंड कॉनकेव लेंसेज. तो लेंस सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है. लेंस इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय स्फेरिकल सरफेस और वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन सरफेस. लेंस जो हमारा होता है वो हमारा एक तरह से ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जो कि सराउंडेड होता है किससे, या तो स्फेरिकल सरफेस से और या तो हमारा प्लेन सरफेस से. जैसे कि मैंने आपको ये दो एग्जांपल जैसे हैं, ये हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है. तो इसमें एक पार्ट जो है वो स्फेरिकल सर्फेस से सराउंडेड है और एक पार्ट हमारा प्लेन सर्फेस से सराउंडेड है. तो ऐसे टाइप के जो लेंस होते हैं उन्हें हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और जो हमारे दोनों ही साइड से स्फेरिकल सरफेस से सराउंडेड होते हैं उन्हें हम डबल कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं. जैसे हम मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दो कंसीडर करें, उन दोनों को मिक्सअप कर दें, तो हमारा क्या बनता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस बनता है. इसी तरीके से हमारा एक कॉनकेव लेंस भी होता है, एक साइड हमारा स्फेरिकल सर्फेस होता है, एक साइड हमारा प्लेन सर्फेस होता है. तो वैसे को हम प्लेनो कॉनकेव लेंस बोलते हैं, और अगर हमारा दोनों ही साइड स्फेरिकल सर्फेस होता है तो हम उसे डबल कॉनकेव लेंस बोलते हैं. अब लेंस मैंने आपको बता ही दिया है दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स होता है और कॉनकेव होता है. जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, दे आर
थिकर, थिक मीन्स मोटा, थिकर इन द मिडिल, ये मिडिल के पोर्शन जो हमारा ये मिडिल वाला पार्ट है ये थिकर होता है मीन्स मोटा होता है, एंड थिनर एट द एजेस, एजेस हमारा ये वाला पार्ट हो गया साइड का और ये वाला पार्ट हो गया साइड का, तो जो एजेस पे होता है वो हमारा थिन मीन्स पतला होता है, और जो कॉनकेव मिरर होता है दैट इज थिनर इन द मिडिल, मिडिल में थिन होता है किसके कंपैरिजन में, इसके एजेस के कंपैरिजन में, एजेस जो होते हैं वो इसके थिक होते हैं, मोटे होते हैं, तो ये हमारा कॉनकेव और कॉनवेक्स लेंस के बारे में हो गया कि हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा हमारा कॉनकेव लेंस है और कौन सा हमारा कॉनवेक्स लेंस है। अब जो हमने जैसा कि मिरर में पढ़ा था कि जो हमारा मिरर से स्ट्रेट लाइन बीच से पास आउट होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, वैसा ही इसमें भी है, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हम आगे इसमें टर्म्स पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि इसमें बेसिकली हमारे दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, मिरर में हमारा एक ही होता है, एक ही हम कंसीडर करते हैं, पर इसमें हमारे दोनों साइड में दो प्रेजेंट होते हैं, तो इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है नेचर ऑफ लेंसेज, कॉनकेव लेंस होता है उसका नेचर अलग होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका नेचर अलग होता है। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इसका रीजन है कि द रेज आफ्टर बेंडिंग थ्रू डिफरेंट एंगल कलेक्ट्स एट वन पॉइंट, दस द एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टू कलेक्ट द लाइट रेज एट वन पॉइंट, हेंस दिस लेंस इज कॉल्ड एज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वर्जिंग सिंपल वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ये किसी एक पॉइंट पे कलेक्ट होना, कन्वर्ज मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे कलेक्ट होना, तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें अगर कोई भी लाइट रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमारी रिफ्लेक्ट करने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट फोकस पे मीट होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मिरर में तो हमारा एक ही प्रिंसिपल फोकस होता है, एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पर यहाँ पे हमारा दोनों साइड होता है, इस साइड भी एक प्रिंसिपल फोकस होता है और उतने ही डिस्टेंस पे इस साइड भी प्रिंसिपल फोकस होता है, इधर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और इस साइड भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो जब भी ये लाइट रेस पैरेलल से आती हैं तो ये हमारी इसमें रिफ्रैक्शन होने के बाद मिरर में तो रिफ्लेक्ट हो जाती थी, इसमें रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, जिस एक पॉइंट पे कलेक्ट हो जाती है सारी रेस, कहाँ पे कलेक्ट हो रही है, प्रिंसिपल फोकस मतलब फोकल फोकस पॉइंट पे कलेक्ट हो रही है, तो जितनी भी लाइट रेस हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस पे कलेक्ट हो जाती हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में, इसीलिए इन लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि जो भी लाइट रेज आ रही है वो हमारी एक पॉइंट पे जो कि हमारा फोकस है उस पे ये कलेक्ट हो रही है, इसलिए हमें क्या कहते हैं, इन्हें कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉनकेव लेंस, क्या होता है कॉनकेव लेंस में, क्या होता है कि ये हम इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, उसका भी ये रीजन है, जो भी लाइट रेज हमारी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करती हैं तो यहाँ पे ये क्या होती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, और जब हम पीछे इसको एक्सटेंड करते हैं तो एज इफ हमें लगता है कि ये फोकस से आ रही हैं, तो यहाँ पे डाइवर्ज होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इसमें यही चीज लिखी हुई है, द रेज फॉलिंग ऑन द कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन एट बोथ द सर्फेस ऑफ द लेंस, बोथ द सर्फेस का मतलब कि ये एक बार यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ और एक बार इस वाले पॉइंट से यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, बिकम्स मोर सेपरेटेड मतलब और अलग अलग हो जाती है, दस अ कॉनकेव लेंस प्रोड्यूस स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट रेज इन द डिफरेंट डायरेक्शन, हेंस दिस लेंस इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जिंग लेंस। अब ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट होने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में और स्प्रेड कर जाती है, पहले तो ये पैरेलल आ रही थी, अब ये और अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड करने की वजह से इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। अब आपको ये चीज अच्छे से याद रखना है, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, और जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। अब हमने लेंस के बारे में जाना, ठीक, इसके बाद हमारा नेचर ऑफ लेंस के बारे में जाना, कौन सा हमारा कन्वर्जिंग होता है कौन सा हमारा डाइवर्जिंग होता है। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे इस लेंस से रिलेटेड, कौन कौन से टर्म्स होते हैं, ठीक, लेंस तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि कैसा होता है,
ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट होता है, जो इसका मिडिल वाला पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ थिन लेंस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पे एक पॉइंट होता है थ्रू विच द लाइट रेस पासिस स्ट्रेट अनडेविएटेड। इससे अगर कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल इस ऑप्टिकल सेंटर से सॉरी अगर कोई लाइट रे पास आउट करती है तो वो अनडेविएटेड पास आउट हो जाती है, उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन की प्रोसेस अकर नहीं होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट पास आउट हो जाती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ये हमारा कॉनकेव लेंस में भी होता है और हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है। आप इसमें कॉन्केव लेंस में भी देख सकते हैं कि रे ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारी अनडेविएटेड पास आउट हो जा रही, गोज स्ट्रेट चली जाती है। इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ बोथ द सर्फेस ऑफ द लेंस आर इक्वल देन द ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस। और अगर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हमारा सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, अगर उस पॉइंट से यहां तक दोनों ही साइड हमारा इक्वल है तो उस केस में जो हमारा ये बीच वाला सेंटर ऑप्टिकल सेंटर होता है उसको हम सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस कंसीडर्ड करते हैं। तो बेसिकली इसमें ऑप्टिकल सेंटर में यही चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी लाइट रे अगर इस ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है तो वो अनडेविएटेड बिल्कुल स्ट्रेट पास आउट हो जाती है, और ये हमारा नोटेशन होता है ऑप्टिकल सेंटर का, इसको हम ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। कुछ कुछ बुक्स में जो एनसीईआरटी की बेस्ड में है तो उसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको C1 से और C2 से कंसीडर करते हैं, पर कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसमें हम यहाँ पे 2F1 और 2F2 कंसीडर करते हैं, दोनों ही हमारे कंसीडर किए जाते हैं और दोनों ही हमारे सही हैं। फोकस जो होता है प्रिंसिपल फोकस दो होते हैं, एक इस साइड होता है एक इस साइड होता है, इसको हम F1 से कंसीडर करते हैं, इसको F2 से कंसीडर करते हैं। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, हम C1 C2 से भी कंसीडर कर सकते हैं और 2F1 और 2F2 से भी कंसीडर कर सकते हैं। बीच वाला जो हमारा ये पॉइंट O होता है ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये हमारा अपर्चर ऑफ द लेंस होता है, ये लंबी सी जो बीच में लाइन इससे पास आउट हो रही है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ये हमारा जो पॉइंट है ये पॉइंट और ये वाला F2 पॉइंट ये हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। 2F1 वाला पॉइंट और 2F2 वाला पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसके बाद जो हमारा F से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और O से के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में यहाँ बताया गया है तो हम इसको देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर्स ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। अब जैसा कि मैंने आपको मिरर में बताया था कि जैसे आपका ये हल्का सा स्फीयर वाला पार्ट है इसको अगर हम पूरा कंप्लीट एज अ सर्किल बना देते हैं तो जब ये सर्किल हो जाएगा तो ये सेंटर वाला जो सी वाला पार्ट है ये जो स्फीयर का सेंटर होगा, वही इसमें लिखा हुआ है कि टू इमेजिनरी स्फीयर्स ऑफ विच, आप एक इधर से बनाएंगे स्फीयर, ठीक है, सर्किल पूरा बनाएंगे और आप एक इधर से बनाएंगे, तो लेंस में जिसका पार्ट है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो उस पूरे स्फीयर का आपका एक पार्ट है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अ लेंस हैज द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर विच विद रिस्पेक्ट टू इट्स टू कर्व्ड सरफेस, और जो हमारा लेंस होता है इसमें हमारे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको ये बताया है C1 C2 से भी हो सकता है और ये 2F1 और 2F2 से भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने आपको बताया ही है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रेडियाई ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। अ लेंस हैज टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर, जो लेंस होता है उसमें हमारे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारे इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है, लेंस का पार्ट है, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो C1 और O के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता ही है कि जो इमेजिनरी लाइन है जो कि स्ट्रेट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसके बाद हमारा प्रिंसिपल फोकस, ये एफ वाला पॉइंट आ गया, F1 और ये F2, ये हमारे क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट वेयर द बीम ऑफ द लाइट
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इधर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस आफ्टर द रिफ्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें अभी मैंने आपको जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाला पार्ट बताया है वही चीज है कि अगर इससे इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी पैरेलल रेस पास आउट कर रही है तो या तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, और या तो डाइवर्ज होंगी रिफ्रैक्शन के बाद। ये हमारी लाइट रेज आ रही है, यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, पीछे जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ये किस पॉइंट पे मीट करती है, फोकस पे मीट करती है, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का बताया है उसी से रिलेटेड है। इसके बाद आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है उससे ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। हमारा जो ये डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। सो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने लेंस के बारे में पढ़ा, कौन कौन से लेंस होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस उसके बारे में पढ़ा, हमने कुछ टर्म्स जो लेंस से रिलेटेड होते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो होप सो आपको आज की क्लास में जो भी पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस एनी स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड गेट योर डाउट्स क्लियर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।